ये महत्वपूर्ण खबर है आप तमाम हजारीबाग लोकसभा वासियों के लिए, और ये महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है जो भी आप भाजपा प्रेमी हैं। ये महत्वपूर्ण खबर आप तमाम लोगों के लिए है जो मोदी जी से प्रेम करते हैं। तो एक खबर वायरल हो रही है इन दिनों हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कि क्या कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी में है हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा जी। जयंत सिन्हा जी, आपको बता दें कि जयंत सिन्हा जी को उनके बेहतर कार्य के लिए आज महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उस बीच इस तरह की खबर का तैरना बड़ा गंभीर चर्चा बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बीच हम यहाँ पर प्रकाश मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, हम उनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर आप लोग उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, आज उनको जो सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि सांसद महोदय का टिकट कटने वाला है, सांसद महोदय जो है भाजपा से छोड़कर, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामेंगे, इस तरह की चर्चाएं आ रही है। हमको हंसी भी आती है इस तरह के समाचार पर कि एक तरफ जहाँ संसद में संसद महारत्न का पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जा रहा हो, जिस व्यक्ति, जिस सांसद पर सिर्फ हजारीबाग लोकसभा ही नहीं पूरा झारखंड गर्व कर रहा हो कि 543 सांसदों में हर वर्ष उनको कभी सर्वश्रेष्ठ सांसद का और कई पुरस्कार प्राप्त किया, और आज अभी अभी जनवरी में घोषणा हुई उन्हें महारत्न से पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय जनता पार्टी में रहकर के ही ऐसा सम्मान भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद ही यह सम्मान प्राप्त कर सकता है, कोई कार्यकर्ता प्राप्त कर सकता है, और तब इस तरह की बेतुकी न्यूज चलना, तो उस पर मैं क्या कमेंट्स दे सकता हूँ। निश्चित रूप से या कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते किसी नेता का जिनको घबराहट है ऐसी समाचार से, जब माननीय जयंत सिन्हा जी को महारत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है या खबर जब उनके कानों तक जाती है और उनको घबराहट होती है, तो इस तरह का समाचार चलवाने का वे लोग प्रयास करते हैं। ये कन्फर्म है आपके लोग जो आपके समर्थक हैं, सांसद महोदय के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं, उनके लिए ही मतलब कन्फर्म है कि उनका इस तरह का कोई मनसा नहीं है, खबर पूरी तरह से गलत है? निश्चित रूप से यह गलत है। जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बिल्कुल, तो आपने स्पष्ट सुन लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का ऑथेंटिक बयान आपके पास में हम आपको दिखा रहे हैं। जरूरी है क्योंकि क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं आ रही है कि सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हजारीबाग के सांसद हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, वो भाजपा में उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये तय करने वाला शीर्ष नेतृत्व होता है। इस तरह की बातों को शीर्ष नेतृत्व तय करता, उसके बाद कोई बात सामने आती है, और इस बयान को पुष्टि करने वाले जयंत सिन्हा जी खुद होते हैं कि वो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार का कोई अखबार, कोई डिजिटल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी को हक नहीं है कि इस तरह की खबर को अगाहे बगाहे फैलाकर उनके समर्थक और लोगों के बीच में तरह तरह की भ्रम पैदा करने के लिए। तो मैं आपको एक मीडिया के प्लेटफॉर्म से यही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बाजार में चर्चाएं चल रही है कि सांसद महोदय कांग्रेस का दामन थामेंगे, पार्टी से उनको टिकट नहीं मिलेगा, ये सारा खबर गलत है। खबर यही है कि सांसद महोदय को सांसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सांसद महोदय ने जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण हमारे सांसद महोदय को महान सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये सम्मान वाला खबर ही जायज है, ना कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं और कहीं दल बदल कर रहे हैं। तो आप इस खबर को अगर शेयर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं उन खबरों को, तो बचें और इस खबर के लिंक को क्लिक करके आप शेयर करके लोगों तक और उनके समर्थक तक पहुंचाएं, ताकि लोगों तक मीडिया और न्यूज का जो मतलब है जायज खबर वो पहुंचे, ना कि गुमराह करने का काम किसी विशेष के लिए किया जाए। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, अ ब्ले स्कूल इज नर्चरिंग चाइल्डहुड विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्सपोजर, अवार्डेड एज बेस्ट प्री स्कूल इन ईस्टर्न इंडिया। विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच रांची बिहाइंड फिरायालाल एंड अशोकनगर इन रामगढ़ नियर मिलोनी क्लब बिचोलिया रामगढ़ कैंट। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ।
तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर अशोका होटल के सामने गली में लोहा टोला रामगढ़ कैंट रामगढ़। संपर्क करें।